So student, we are studying the important lesson is the life process in part 2, and important point is the vegetative propagation, and this point is very important for the board exam. तो अभी हम देखेंगे point, important point है board exam में, वो है vegetative propagation, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. तो देखो कैसे vegetative propagation. So reproduction occur with the help of some reproductive parts. कौन कौन से reproductive part है? Root, स्टीम और लीव्स. तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, रूट, स्टीम और लीव्स, इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जरिए वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होता है, और उसे हम कहते हैं इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपैगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का मतलब होता है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टीम और लीव्स, इनके जरिए जो रिप्रोडक्शन होता है उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसके ढेर सारे एग्जाम्पल है, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देखेंगे. पहला एग्जाम्पल है पोटैटोज में. तो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन ये रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन है वो पोटैटोज में होता है. तो किस तरह से देखो, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ आईज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटोज. तो देखो हमने पोटैटोज हमारे घर पे भी देखे हैं, तो पोटैटोज के रेनी सीजन में पोटैटोज के सरफेस के ऊपर कुछ बर्ड्स आते हैं, तो उस बर्ड को हम उसके आईज कहते हैं. तो उस बर्ड के जरिए, उस आईज के जरिए पोटैटोज में रिप्रोडक्शन होता है, तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर इन द पोटैटोज. सो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ आईज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटोज. पोटैटोज के सरफेस के ऊपर जो भी बर्ड्स होते हैं, आईज होते हैं, उनके जरिए जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अनदर एग्जांपल इज द ब्रायोफाइलम. तो ब्रायोफाइलम में किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होता है? तो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑफ द लीफ मार्जिन. तो ब्रायोफाइलम में जो लीफ होता है ना, उस लीफ के ऊपर कॉर्नर में जो बर्ड्स होते हैं, उस बर्ड के जरिए रिप्रोडक्शन होता है. तो ब्रायोफाइलम प्लांट जो है वो भी वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में आती है. तो ब्रायोफाइलम प्लांट जो है, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स, उसमें जो बर्ड्स होते हैं लिप मार्जिन में, प्रेजेंट ऑफ द लिप मार्जिन. तो लिप के जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, उनके जरिए रिप्रोडक्शन होता है. उसके बाद देखो थर्ड इज द शुगर केन एंड ग्रास. तो शुगर केन और ग्रास में कैसे होता है देखो, तो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंस ऑन नोड्स. तो नोड्स का मतलब क्या है? तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखी है. ये बाय डायग्राम किसकी है? तो ये शुगर केन की डायग्राम है, और ये जो पार्ट्स है उसे हम नोड्स कहते हैं. ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, इसे हम कहते हैं नोड्स. तो इस नोड्स के जरिए भी वेजिटेटिव प्रोपैगेशन शुगर और ग्रास में होता है. तो देखो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का मतलब क्या है? तो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में फाइनली वेजिटेटिव पार्ट्स रहते हैं प्लांट्स में, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहते हैं रूट, स्टीम और लीव्स, इनके जरिए जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और उसके बाद इसके थ्री एग्जांपल्स हमने देखे, पोटैटोज, ब्रायोफाइलम एंड शुगर केन एंड ग्रास. तो पोटैटोज में कैसे होता है? उसके ऊपर है ना, सरफेस के ऊपर तो आईज रहते हैं, उनके जरिए होता है. और ब्रायोफाइलम में लिप मार्जिन में बर्ड्स रहते हैं, और शुगर केन में क्या रहता है? शुगर केन में वो नोड्स होते हैं, उनके जरिए वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होता है. अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो. स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड फर्स्ट पॉइंट, सो फंगी लाइक म्यूकर हैव अ फिलामेंटस बॉडी. ये म्यूकर है, म्यूकर की डायग्राम मैंने आपके सामने बना के रखी है. तो ये इसकी फिलामेंटस बॉडी है. देखो ये फिलामेंट्स है, 1, 2, 3, ये सब फिलामेंट्स है. तो फिलामेंटस बॉडी होती है म्यूकर की. सो फंगी लाइक म्यूकर हैव अ फिलामेंटस बॉडी. तो म्यूकर की बॉडी फिलामेंट्स के जैसी होती है. सो दे हैव स्पोरेंजिया. तो ये जो पार्ट्स मैंने आपको बना के देखे रखे ना, ये इसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया. तो म्यूकर में स्पोरेंजिया होता है. ये जो पार्ट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस पार्ट को हम स्पोरेंजिया कहते हैं. दे हैव स्पोरेंजिया. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फंगी लाइक म्यूकर हैव फिलामेंटस बॉडी. तो फंगी लाइक म्यूकर की फिलामेंट की जैसी बॉडी होती है. दे हैव स्पोरेंजिया, उसमें ये स्पोरेंजिया होते हैं. स्पोर्स फॉर्म इन स्पोरेंजिया. तो इस स्पोरेंजिया के अंदर है ना, वो स्पोर्स फॉर्म होते हैं. तो ये जो डॉट्स जो दिखते हैं उसे हम कहते हैं स्पोर्स.
तो स्पोर्स कहाँ पे बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर. सो स्पोर्स फॉर्म इन स्पोरेंजिया एंड देन स्पोरेंजिया ब्रश. ब्रश का मतलब होता है ब्रेक. तो स्पोरेंजिया है ना, ये ब्रेक्स होते हैं. ब्रेक्स होने के बाद ये स्पोर्स रिलीज होते हैं. स्पोर्स रिलीज, यहाँ से स्पोर्स निकलते हैं और स्पोर जर्मिनेट्स इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस. तो जब भी मॉइस्ट प्लेस रहती है उसके यहाँ पे स्पोर जर्मिनेट होते हैं. जर्मिनेट होने के बाद न्यू फंगल कॉलोनी इज फॉर्म. तो इस तरह से ये जो रिप्रोडक्शन है उसे हम कहते हैं स्पोर्स फॉर्मेशन. फिर एक बार देखो आसान है. फंगी लाइक म्यूकर हैव फिलामेंटस बॉडी. ये म्यूकर के डायग्राम मैंने आपके सामने बनाए रखी है. ये जो बॉडी है, ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं फिलामेंट के जैसे है. दे हैव स्पोरेंजिया, इसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं. उसमें स्पोरेंजिया होती है. उस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है? देखो स्पोर्स फॉर्म इन स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के ये अंदर ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये स्पोर्स है. तो स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और देन स्पोरेंजिया ब्रश, वो ब्रेक्स होती है. स्पोरेंजिया ब्रेक होने के बाद स्पोर्स रिलीज, उसमें से स्पोर्स रिलीज होते हैं एंड स्पोर जर्मिनेट इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस. जहाँ भी मॉइस्ट और वार्म प्लेस होती है वहाँ पे जब स्पोर्स है वो रिलीज होकर वहाँ पे जर्मिनेट होते हैं. जर्मिनेट होने के बाद न्यू फंगल कॉलोनी इज फॉर्म. तो वहाँ पे न्यू फंगल कॉलोनी बनती है. तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो ये सब पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने, तो आपको अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो.